देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हमने पढ़ा था, अब कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे उसके। ठीक है, एफ डी इज इक्वल्स टू, यदि एक्स हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख लेते हैं। पहले देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हमारे पास जो एक्स हो, ये एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वन अपॉन एफ डी ऑफ ई पावर ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ए ऑफ ई पावर ए एक्स, ये हमारे पास पीआई हो जाएगा। जैसे बताता हूं मैं आपको, डी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स था, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे इसका। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल मुझे निकालने के लिए कहा जाए तो वन अपॉन एफ डी इट मीन डी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ ई पावर माइनस एक्स। देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस वन है, तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन माइनस वन प्लस फोर ई पावर माइनस एक्स, का मतलब हमने डी की जगह पे क्या रख दिया, माइनस वन रख दिया, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये रिजल्ट मिल गया क्योंकि एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है। कब केस बताया मैंने, एक्स जब ई टू दी पावर ए एक्स हो तो और एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो तब पर्टिकुलर इंटीग्रल ये मिल जाएगा मुझे। सेकंड केस बताता हूं आपको, इसी में यदि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ डेफ ऑफ डी इंटू ई पावर ए एक्स हो जाएगा हमारा पी आई, कब, जब एफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए। एग्जाम्पल मान लेते हैं डी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स है, इसका मुझे पी आई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ई पावर टू एक्स, इस टू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो। तो जब केस ये बन जाएगा मेरे पास तो एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स अपॉन एफ डेस डी इसका डेरिवेटिव कर दिया, टू डी डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, ऊपर ई पावर टू एक्स हो जाएगा। देखिए डी मीन्स होता है डी अपॉन डी एक्स, तो वन अपॉन डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपॉन डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टू एक्स, ये क्या हो जाएगा इसका पी आई हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, कब, जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं, अगला केस, इसके बाद अगला आता है यदि ये जो x है, x ये जो x है ये फंक्शन ऑफ x होता है, ये मान लेते हैं x की पावर m टाइप का हो, इस फॉर्मेट का हो, तो उस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। मतलब क्या है आपको समझाता हूं मैं, मान लेते हैं टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फाइव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास प्रॉब्लम था ये x का फंक्शन है, x पावर m टाइप का है, तो उस केस में पी आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वन अपॉन टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फाइव ऑफ x पावर टू, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव कॉमन लिया हमने कॉन्स्टेंट, वन प्लस एक्स टू दी पावर m टाइप का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं इसको, वन प्लस क्या मिलेगा टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को ऊपर ले जाके हम बाइनोमियली इसको एक्सपेंड कर देंगे, बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी टर्म आएंगी उसका हम इसको ऑपरेट करके इस तरीके से देखें, वन अपॉन फाइव और कितना होगा ये वन प्लस
टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन फाइव पावर माइनस वन, और बाहर से क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप एक्सटेंशन कीजिए इसका, वन अपॉन फाइव, वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस वन, वन माइनस एन एक्स टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन फाइव प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये है एक्स, टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन फाइव, फोर स्क्वायर प्लस अपॉन, और बाहर से एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाली टर्म हमने नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इससे बाद वाली टर्म में क्यूब आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया तो थर्ड डेरिवेटिव जीरो हो जाना है, इसलिए जो भी टर्म आएंगी उसमें वो सारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी, इसलिए हमने वो टर्म लिखी नहीं। तो पहला फॉर्मेट मैंने आपको बताया ई पावर ए एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जब एफ ए नॉन जीरो हो, सेकंड बताया मैंने आपको ई पावर ए एक्स और एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, और थर्ड बताया बाइनोमियल एक्सटेंशन का यूज। अगला आपको बताते हैं, इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये एफ एक्स, यदि ये एफ एक्स हो जाए किस तरीके का, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इस केस में पी आई निकालने के लिए वन अपॉन एफ डी ऑफ साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ऑफ ए एक्स, क्या साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ऑफ ए एक्स, एज एग्जाम्पल डी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं साइन ऑफ थ्री एक्स था, इसका पी आई मुझे निकालना है, तो पी आई के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ साइन थ्री एक्स, डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है मैंने माइनस ऑफ ए स्क्वायर, देखिए ये है माइनस ऑफ ए स्क्वायर अलग होता है, माइनस ए स्क्वायर अलग होता है, ये है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव भी रहेगा, इसको देखिए वन अपॉन थ्री माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन प्लस फोर साइन ऑफ थ्री एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा पी आई निकल जाएगा किसका, जब साइन ए एक्स हो और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो हो। इसी फॉर्मेट में यही रिजल्ट हो और ये क्या हो जाए एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो हो जाए, जैसे देखिए डी स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर मुझसे कहा जाए साइन टू एक्स का पी आई निकालना है, तो मैं देखता हूं वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर ऑफ साइन टू एक्स की वैल्यू टू स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाए तो इसको भी हमने जैसे ई पावर एक्स में पढ़ा था वैसे क्या करेंगे, एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ डी इंटू साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ऑफ ए एक्स से सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए तो इसमें कैसे सॉल्व करूंगा, मैं एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया टू डी ऑफ साइन ऑफ टू एक्स, टू डी ऑफ साइन ऑफ टू एक्स। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन अपॉन डी मीन इंटीग्रेशन, जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ये हमने पढ़ा पी आई फॉर साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो हो। हमने बाइनोमियल एक्सटेंशन पढ़ लिया, ई पावर ए एक्स पढ़ लिया, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स पढ़ लिया, और एक टर्म और आता है उसको भी हम कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। वो टर्म क्या होता है देखिएगा आप, पी आई हमें निकालना है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर ए एक्स टाइप हो, जहां पे जो एक्स मैंने लिखा है वो कोई भी हो सकता है एक्स का फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स कुछ भी हो सकता है, ई की पावर एक्स तो ऑलरेडी है। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
ई पावर ए एक्स ऑफ वन अपॉन एफ बी प्लस ए ऑफ एक्स कर लेते हैं। अब जैसा ये एक्स होगा मेरा, इस एक्स के अकॉर्डिंग डी प्लस ए को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर थ्री एक्स था मेरे पास। इसका मुझसे पी आई निकालने के लिए कहा जाए तो पी आई जो हो जाएगा इसका वन अपॉन पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल ई पावर थ्री एक्स बाहर डी प्लस ए। ध्यान से देखिए यहां पे डी प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम डी प्लस थ्री प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक्स पावर एम के लिए मैंने आपको बता रखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज करेंगे। एक्स पावर एम के लिए क्या यूज करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। देखिए यही पढ़ा था हमने, पर्टिकुलर इंटीगल व्हेन एफ डी इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके का हमारे पास फंक्शन हो तो उसमें पहला पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो जो पी आई हम निकालेंगे वन अपॉन एफ डी ऑफ ई पावर ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ ए ऑफ ई पावर ए एक्स। इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ ए ऑफ ई पावर ए एक्स। कब? जब एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। यदि एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए तब पी आई ई पावर ए एक्स अपॉन एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन एफ डेस डी ई पावर ए एक्स। कब? जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। अगला केस देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर ए एक्स, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाता है? वन अपॉन एफ डी एक्स ई पावर ए एक्स, तो ई पावर ए एक्स बाहर आ गया, वन अपॉन एफ डी प्लस ए। ध्यान से देखिए डी प्लस ए ऑफ एक्स। अब एक्स जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, एक्स जो भी है। अगला है यदि एफ एक्स साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स हो और उसका फर्स्ट केस बनता है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उस केस में पी आई मेरे पास क्या आ जाएगा? वन अपॉन एफ डी साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो डी स्क्वायर होगा उसकी जगह पे माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स सॉल्व कर लेंगे। अब यदि ये जीरो हो जाए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाए, तो सेम जैसे यहां था उसी तरीके से एक्स अपॉन एफ डैश डी साइन एक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें छोड़ा वो क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला। जब एक्स एफ एफ डी इज इक्वल टू एक्स पावर एम हो तो उस केस में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई वाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई पावर फाइव एक्स। करते हैं इसको, देखिए ये है आपका डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर फाइव एक्स। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल लेते हैं, उसके लिए हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम सॉरी माइनस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एम कॉमन, एम माइनस टू माइनस वन कॉमन, एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो m इज इक्वल टू वन कॉमा टू इसके रूट मिल गए, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल रिजल्ट में ना इसको जोड़ेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया है हमारा, इसका आया है c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x, ठीक है। तो अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखते हैं।
और पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू ऑफ ई पावर फाइव एक्स। ई पावर ए एक्स टाइप का है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, वन अपॉन फाइव पावर टू माइनस थ्री टाइम फाइव प्लस टू ई पावर फाइव एक्स। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस टू, ठीक है, टेन प्लस टू ट्वेल्व इंटू ई पावर फाइव एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये पच्चीस पंद्रह सब्ट्रैक्शन दस, ठीक है, दो बारह, तो e पावर 5x अपॉन 12 क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो सॉल्यूशन क्या होता है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिएगा, तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था, c1 e पावर x, c2 e पावर 2x प्लस e पावर 5x अपॉन 12। ये मेरा इसका रिजल्ट मिल गया पूरी प्रॉब्लम का, y इक्वल टू cf प्लस pi। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये है डी स्क्वायर माइनस टू के डी प्लस के स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ऐसा ही है, ई पावर एक्स है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा मैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस टू के एम प्लस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट निकाल लेते हैं हम, रूट कैसे निकलेंगे, देखिए एम स्क्वायर माइनस टू के एम प्लस के स्क्वायर, एम में क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी ना, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एम माइनस के होल स्क्वायर, यही है ना, इसका स्क्वायर खोल लिए, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के एम, यही है, ठीक है। तो एम माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स हमें जो वैल्यू मिलेगी, m इज इक्वल टू के कॉमा के, रूट रियल है और रिपीटेड है, रूट रियल हो और रिपीट कर रहे हो, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो आ जाता है c1 वन प्लस एक्स सी टू ई पावर के एक्स, सी वन प्लस एक्स सी टू ई पावर के एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया मेरे पास वो कितना आया, c1 वन प्लस एक्स सी टू ई पावर के एक्स। पी आई निकाल लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखिए पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू के डी प्लस के स्क्वायर ऑफ ई पावर एक्स। ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो डी की जगह पे आप क्या रखिए, वन, तो वन अपॉन कितना आ जाएगा, वन माइनस टू के प्लस के स्क्वायर e पावर x, a वन है ना, d की जगह पे वन लग दिया, वन माइनस k का होल स्क्वायर बन गया। तो जो इसका टोटल सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और जोड़ देंगे, तो हमें y जनरल सॉल्यूशन जो मिला, y इज इक्वल टू c1 वन प्लस एक्स सी टू ई पावर के एक्स प्लस, ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, e पावर x अपॉन e पावर x अपॉन कितना, वन माइनस के होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है ना, तो ये टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है ये, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूं मैं, क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एम इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आएगा ना,
देखिए क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। तो ये नंबर कैसा मिल गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा साइज। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स रूट है। यदि रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है e पावर अल्फा एक्स। अल्फा क्या है यहाँ पे, e पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ब्रैकेट में कितना आएगा c1 cos बीटा, बीटा कितना है रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस c2 साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ये तो हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका हम पीआई निकाल देते हैं। पीआई क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन ऑफ ई पावर माइनस एक्स। माइनस वन को यहां रखिए, क्या आ रहा है देखिए, ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, तो ई पावर माइनस एक्स क्या आ गया, इसका पीआई आ गया। यदि मैं जनरल सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूं तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा क्वेश्चन का। हो गया ये, इसमें इसको जोड़ देंगे ई पावर माइनस एक्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है डी क्यू प्लस वन ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर, इसका स्क्वायर खोल देता हूं, क्या मिलेगा e पावर टू एक्स प्लस वन प्लस टू ई पावर टू एक्स। ये तीन क्वेश्चन बन गए अपने आप में, तो इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे फॉर पी आई, पी आई निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो क्या बनेगा, एम क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट क्या आएंगे, एम प्लस वन ए क्यू प्लस बी क्यू, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक रूट तो आ गया माइनस वन, दो रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे उनको निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी, फोर ए सी मीन्स वन ही आ जाएगा अपॉन टू ए, तो क्या मिलेगा वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ये आ गया हमारा, दो रूट ये आ गए एक रूट ये हो गया, तीन रूट मिले। तो अब इसका पी आई हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, लिख रहा हूं मैं यहां पे देखिए, C1 e पावर जो रियल रूट आ रहा था उसको क्या लिखूंगा, माइनस एक्स, सी वन ई पावर एम वन एक्स प्लस, दो क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है, तो e पावर अल्फा कितना है वन अपॉन टू एक्स, ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा C1 cos रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम इसका पीआई निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए पीआई कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब मैं इसका पीआई निकालूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन ये बन रहा है, वन अपॉन पीआई इज इक्वल टू वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ई पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ई पावर टू ई पावर 2x या x, फॉर्मूला खोला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो e पावर 2x e पावर x प्लस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन, वन को कितना लिख सकता हूं e की पावर 0x, तो e की पावर मैंने क्या लिख दिया इसको 0x। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिएगा ध्यान से क्या मिलेगा, e पावर 2x अपॉन ये 2 यहां रखेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 1 प्लस यहां से क्या आएगा 2 e पावर x अपॉन 1 यहां रखिए 2 प्लस ये 0 यहां रखूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है e पावर 0x 1 ही हुआ ये 1 मिल जाएगा।
ये आया मेरा पी एल, इस टर्म को इसके साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सॉल्यूशन वाई बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको करते हैं, देखिए देखिएगा क्या आएगा। हाँ तो इसका सीधे मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूं, क्या आएगी, एम क्यू प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालने के लिए 6 के फैक्टर कीजिए 1 × 2 × 3। अब देख लीजिए आप इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस वन रख के देखता हूं तो माइनस वन प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब m इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट हो जाएगा। यदि m इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट है तो m माइनस वन से आप इसको डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। देखो सिंपल प्रमेय लगा देते हैं ना, या तो आप सिंथेटिक डिवीजन यूज कीजिए या m माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों से एक ही जैसा रिजल्ट आएगा। m माइनस वन क्या लिखूंगा, एम क्यू प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6, ध्यान से देखिएगा, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7m² प्लस 11m प्लस 6, फिर प्लस का 7m से तो 7m² माइनस का 7m, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 18m प्लस 6, सही कर रहा हूं मैं इसको, गलत तो नहीं हो गए, एम क्यू प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6, ओहो यस, m इज इक्वल टू माइनस 1 इसका रूट था तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो हम इसको गलत कर रहे हैं, प्लस 1 होगा ये, तो अब ये गलत आ जाएगा ना, दोबारा करते हैं इसको, देखिए एम क्यू प्लस एम स्क्वायर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5m² प्लस 11m प्लस 6 प्लस 5m² से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m² प्लस 5m, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6m प्लस 6, प्लस 6 से डिवाइड कीजिए इसको, 6m प्लस 6 माइनस करके 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो रूट इसके मिले, एक तो मिला m इज इक्वल टू माइनस 1 और दो यहां से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे उनको देखो, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6, m कॉमन m प्लस 3 प्लस 2 कॉमन m प्लस 3 बराबर 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, तो हमने इसके तीन रूट निकाल दिए, वो क्या क्या आ रहे हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा c1e−x प्लस c2e−2x प्लस c3e−3x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसके राइट हैंड साइड में जो भी था मैंने देखा ही नहीं, हो क्या था, राइट हैंड साइड में जो आएगा pi उसका निकाल देंगे हम, ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था ना, pi निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस कीजिए आप, e2x था या 3x जो भी था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करूंगा, 1/dq प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6, यही था ना क्वेश्चन। अब यहां पे जो भी था वो e2x था तो 2 रख देंगे, 3x था तो 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, pi मिल जाएगा यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका
सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये थे कुछ क्वेश्चन।